शंकराचार्य जी आदरणीय है, परम पूजनीय है, उन्हीं से सनातन है, उन्होंने चार धाम की पीठ की स्थापना की, सारा सब कुछ उन्होंने किया। हमें पूरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन धर्म के प्रधानमंत्री जो है शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य का जो डिसीजन होगा वो सर्वप्रथम होना चाहिए। जब राम टेंट में है तब कोई सिलने नहीं आ रहा है, जब राम घर में जा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। अश्वमेध युग में तो घोड़े भी दौड़ते थे, अब गधे कुछ बोल रहे हो तो अलग विषय। एक सवाल, एक आएंगे, बस एक ही बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको, जहाँ से उद्गम होता है मतलब वहाँ से जल लेकर के पूरा कितना किलोमीटर का तय किए होंगे यात्रा? लगभग 850 किलोमीटर हमने यात्रा, मुरादाबाद, फिर बरेली, रामपुर और ये लखनऊ होते हुए हम यहाँ। लगभग कितने लोग होंगे? लगता है कि हाँ 500 सालों की तपस्या सारा राम में है, सारा राम में, सब राम में है। इस वक्त प्रभु राम की धरती अयोध्या में है, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उनमें हरिद्वार से लोग आए हैं, क्या कुछ खास है वहाँ से जल 12,000 लीटर लगभग आया है, सारा डिटेल जानेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। कितना हजार लीटर जल आया है प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए? देखिए 11,000 लीटर जल महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री मनसा देवी मंदिर हरिद्वार जो पवित्र स्थल है वहाँ से ये जल 11,000 लीटर आया है, जो गंगश्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और श्री बागेश्वर धाम, जहाँ से सरयू का उद्गम होता है, नहीं जो अयोध्या में सरयू आ रही है वहीं से उद्गम होके आया है, उसका 11,000 लीटर जल हम लेके आए हैं श्री अयोध्या धाम में। 11,000 लीटर पूरा काफिले के साथ आए हैं, पूरा एकदम दल बल के साथ आए हैं हम लोग। 15 जनवरी से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और 19 जनवरी यानी आज हम अयोध्या धाम पहुँच गए हैं। कल हम यह जल श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सुपुर्द करेंगे महंत जी के द्वारा, श्री महंत रविंद्रपुर जी के द्वारा। अच्छा, वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा होना है वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, थोड़ा सा वहाँ का अगर कुछ जानकारी हो तो वो बताइए। अब ये तो श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो तय है वो लोग जो रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन हमारे को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ये दी गई थी कि आपको पवित्र नदियों का जल लेके श्री अयोध्या धाम पहुँचना है। पवित्र नदियों का मतलब जल लेकर के 12,000 लीटर लगभग, गंगा गंगा यमुना और ये सरयू नदी यानी बागेश्वर धाम से जहाँ उद्गम होता है ये वह जल है। जहाँ से उद्गम होता है मतलब वहाँ से जल लेकर के पूरा कितना किलोमीटर का तय किए होंगे यात्रा? लगभग 850 किलोमीटर हमने यात्रा तय किया है, 850 किलोमीटर जी 15 दिन में। और कितने लोग लगभग काफिले में होंगे आप लोगों के साथ? हमारे साथ लगभग 60 लोग चल रहे हैं, जो जने यानी प्रारंभ किया हरिद्वार, उसके बाद बिजनौर, उसके बाद मुरादाबाद, फिर बरेली, रामपुर और ये लखनऊ होते हुए हम यहाँ अयोध्या में। लगभग कितने लोग होंगे? 60 लोग हैं लगभग, 60 लोग हैं, 60 लोग। गाड़ियाँ कितनी हैं? बहुत लोग हैं, जहाँ जहाँ काफिला है वहाँ वहाँ लोग बढ़ते गए हैं। जैसे लखनऊ में आज 200 के करीब लोग होंगे, लखनऊ में 200 के करीब लोग हैं आज, बरेली में भी थे, सबसे ज्यादा मुरादाबाद में थे, सबसे ज्यादा मुरादाबाद में थे जी, सबसे ज्यादा मुरादाबाद रहा, सीतापुर रहा, शाहजहांपुर रहा और लखनऊ में रहा। लखनऊ में आज लगभग पूरे दिन भर हमारा कार्यक्रम रहा, जगह जगह स्वागत सम्मान, महाराज जी का कलश यात्रा का सम्मान समारोह रहा, जगह जगह लोगों ने मतलब उत्साह के साथ उत्साहवर्धन भी किया, मतलब जिसको देख के लगता है कि हाँ 500 सालों की तपस्या सारा राम में है, सारा राम में, सब राम में है, सब राम में, प्रभु श्री राम के चरणों में सब कुछ। राम वहाँ से शुरू हुए अयोध्या तक आए राम और राम राम ही चल रहा है। 12,000 लीटर जो जल है वो मतलब एक ही एक रथ में, एक पूरा रथ में जी। 19 कलश हैं, उनमें सब में 4 बड़े कलश हैं और बाकी छोटे छोटे कलशों में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। पूरा मतलब पूरा राम रथ चल रहा है वो, राम रथ है वो, मतलब हाथ से ठेल करके आया फिर वो नहीं, उसका अलग सिस्टम, उसको गाड़ी से चल रहा है सब जो भी है, मतलब जहाँ जिनकी जो श्रद्धा है वो अपनी सेवा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, उसी जल को ये समझ रहे हैं कि हम राम के ही पास जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था, ऐसे मन की भावना। लोगों ने जहाँ हुआ वहाँ पद यात्रा भी की है, ऐसा नहीं है, पद यात्रा बहुत जगह चली है, 150 किलोमीटर मुरादाबाद, बरेली और अपना लखनऊ, शाहजहांपुर और बीच में जो भी छोटे छोटे शहर आए, हर जगह पदयात्रा करके हम लोग आए हैं। उसके बाद जहाँ हाईवे पड़ता, जहाँ जंगल पड़ता था वहाँ गाड़ियों में बैठते थे, जहाँ जनता होती थी वहाँ हम लोग पैदल चल के जल यात्रा करते थे, रथ यात्रा ऐसी चली। पूरा यात्रा एकदम पूरा मंगलमय, हजारों लोग भगवान श्री राम का जो 500 साल का सपना था, हमारे पूर्वजों का, हमारा नहीं, हमारे पूर्वजों का सपना था, आज वो यथार्थ हो रहा है, सत्य हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, उसी को लेके हम लोग सब चले। कितना खुश हैं? खुश नहीं, ये हमारे पूर्वजों का जो कर्जा था हम लोग उसको उतार रहे हैं, हम तो ये कहेंगे।
अभी के जनरेशन में लोग कह रहे हैं कि बड़ा भाग्यशाली है कि राम मंदिर का उद्घाटन हम लोग देख रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम जब यात्रा लेके आ रहे थे लखनऊ से निकले तो लगभग LKG UKG से ऊपर के बच्चे वो भी जय श्री राम कर रहे हैं। एक 100 साल के पिता तुल्य व्यक्ति वो भी जय श्री राम कर रहे हैं। तो एक 5 साल का और 100 साल का उसके बीच में 95 साल, तो आप अंतर है ना। एक सरकार लठ मारती थी, एक सरकार पुष्प वर्षा कर रही है, तो ये सिद्ध होता है ना। और क्या हम क्या यही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर घर भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह स्पष्ट है। देखिए देखिए एक बात, मेरे विचार से हमारे मैन जी हमारे गुरुदेव का कहना ये है कि तीन ही सनातनी हुए, आदिगुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और तीसरे नरेंद्र भाई मोदी। तो शंकराचार्य जी तो ये भी कह रहे थे कि अभी गुंबद नहीं बना, कंप्लीट नहीं हुआ तो हम नहीं जाएंगे। चार बातें यहाँ पे, जब राम टेंट में थे तब वो कहाँ थे? तब तो कोई उद्बोधन आया नहीं किसी का। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई आरोप नहीं है, आप अपना विचारधारा बताइए। लेकिन मैं तो सिर्फ इस पर, जब राम टेंट में है तब कोई सिलने नहीं आ रहा है, जब राम घर में जा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। अश्वमेध युग में तो घोड़े भी दौड़ते थे, अब गधे कुछ बोल रहे हो तो अलग विषय। नहीं तो उनका उनका जो मेरा कहना ये, मेरा उनका जो कहना है, देखिए शंकराचार्य जी का मैं सम्मान करता हूँ, सबके अलग अलग विचारधारा है। सर्वप्रथम है हमारे सनातनी है, उनके आधार पर सब कुछ सनातन है। लेकिन कहना क्या है कि जब कोई पुनित कार्य हो रहा है, मैं आप हम सब पुनित कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसमें सहयोग करना है, शामिल होना चाहिए। मुझे तो काम तो गैलरी ने वो काम तो गैलरी ने वही किया था ना, जो नलो नील ने किया। सब बराबर हैं, ये राम सेवा है, राम रथ है। अच्छा एक सवाल, एक बस एक ही बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक आखिरी सवाल है, बहुत सोशल मीडिया पे खूब चर्चा में है कि पूरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन धर्म के प्रधानमंत्री जो शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य का जो डिसीजन होगा वो सर्वप्रथम होना चाहिए। हाँ देखिए स्वाभाविक सी बात है, शंकराचार्य जी का सम्मान, शंकराचार्य जी आदरणीय है, परम पूजनीय है, उन्हीं से सनातन है, उन्होंने चार धाम की पीठ की स्थापना की, सारा सब कुछ उन्होंने किया, हमें उससे कोई आरोप नहीं। लेकिन है क्या, लेकिन उनका बात भी तो मानना है ना, मानना चाहिए ना। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम तो विरोध कहीं कर ही नहीं रहे, हम तो ऑल द जल लेके जा रहे हैं कि राम की प्रतिष्ठा में, राम भगवान राम की प्रतिष्ठा में इस जल से स्नान कराइए, हम तो वो सहयोग कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उनका काम है, हमारा काम तो राम की सेवा करना है, हम वो कार्य कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जय श्री राम, पूरा जो अयोध्या है राममय हो गया है। जय जय, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जपो श्री राम। बाकी आप भी कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।